इस वीडियो में गाली का उपयोग किया गया है, तो कृपया करके अपने कानों में ईयरफोन फंसा ले, क्योंकि विदाउट ईयरफोन इज इक्वल टू मम्मी की उड़ती चप्पल। अरे बबलू भैया, अरे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लगा दो यार। बीबी क्या बबलू भैया कर रहे हो, आपको याद नहीं है क्या हम लेवल में? अरे बीबी मुझे लगा ना मैं अपने फार्म हाउस पे हूँ, वहाँ क्या है ना बबलू भैया ना मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, वो ना मॉर्निंग होते ना सब चीज अरेंजमेंट कर देते हैं, तो उनकी ना मेरे को याद होगी। बेबी हम लेवन में रह रहे हैं और याद आपको बबलू भैया की आ रही है? तो बेबी आपने ऐसा कुछ काम भी तो नहीं करना जो आपको याद करूं, जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। बेबी मुझे खाना बनाना नहीं आता, जैसे आपके घर में बबलू भैया थे हमारे घर में बबली दीदी। बेबी एक्चुअली हम लिविन में क्यों रह रहे हैं, लिविन में इसलिए तो रह रहे हैं जो हमको नहीं आता वो सीखेंगे, फ्यूचर में आप ही तो खाना बनाओगे तो ब्रेकफास्ट तो बना के लाना पड़ेगा ना आपको मॉर्निंग का। बेबी सो क्या रेडी हुआ? बेबी ऑलमोस्ट रेडी है, बस ये टी बन जाए बस। तो बेबी जो रेडी है वो ही टेस्ट करा दो। एंड बेबी आपको लगता नहीं है ब्रेड ज्यादा काली जल गई है? बेबी अब खाना तो पड़ेगा ना, मेरा फर्स्ट टाइम है। ओके सो पहले मेरा बेबी खाएगा। टेस्ट। बेबी ज्यादा काली नहीं हो रही है? बाहर जाओ मैं बनाता हूँ। ऐसे बनता है। वाओ बीबी आप तो प्रो हो इस काम में, तो एक काम करते हैं आज से खाना बनाने का काम। ओ भेंचो तू बनाया यार, क्या कर दिया यार। शिट। अरे अभिषेक भाई साहब आओ। अभिषेक भाई साहब अरे कनिका मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। आई साहब बहन जी देखो बेटा मैं कह रहा हूँ गलत बात नहीं करते, मैंने चपेट मार देनी आपके। हाँ तो कनिका देखो, अरे क्या बना ऑमलेट? मैं बताऊँ ऑमलेट तो मेरी फेवरेट है, है? मेरी फेवरेट ऑमलेट है तो। खुशबू आई थी ऊपर आ गया। मतलब मैं बताऊँ कनिका इतना प्यारा ऑमलेट बनाया आपने, बहुत टेस्टी है, मतलब जितनी मुरीज की शक्ल है उतना बढ़िया ऑमलेट बनाया है। ओ अंकल मैंने बनाया ऑमलेट। आपने बनाया? जब तो मैं नमक बहुत तेज है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। चलो ठीक है फिर मैं करा लूंगा, या आपकी भाभी से ठीक करा दो मुझे आगे। बेकार हो ना आपने। भाभी 52 साल का बुड्ढा है भाभी, कौन सी भाभी मेरी? ओ अंकल ट्रेक दे दो। बेटा देखो अंकल नहीं बोलना है, क्या क्या है आपकी, 2 साल छोटा हूँ आपसे। अरे ओ अंकल मेरी उम्र का लड़का है आपका, तो अंकल ही तो बोलूंगा। बेटे वो मेरा नहीं है, वो तेरी भाभी का लड़का है, वो तो ऐसे ही रख रखा है हमने, वो मेरा नहीं है। ठीक है आइंदा अंकल नहीं बोलना, बाकी ऑमलेट में करवाता हूँ। भैंसू ते 52 साल का बुड्ढा मुझे अपना दोस्त बताता है, नाम मेरा लेता है, घूरता तुझे। तू एक काम करे तो बाहर जाएगी ना ढक के अपने आप को पूरा, हम भी बुड्ढा है, ये नंगी नंगी टांगे नहीं चलेगी, समझ गई? और वो बुड्ढा भी तो सारा ऑमलेट ले गया, तो बेबी आप बना दो ना ऑमलेट। बेबी मैं बनाऊंगी तो कुछ ज्यादा करारी बन जाएगी, आपने इतना टेस्टी बनाया था आप जाके बनाओ ना दोबारा, और वैसे भी ये आपका काम, तो मैं वॉशरूम होके आती हूँ आप तब तक बना लेना। हट। हाँ माँ। कैसा हो बिटुआ? ठीक मामा। का करे हो दिल्ली में? दिल्ली में का करे, जॉब ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी तो आपको दिल्ली बुला लेंगे। अरे अब तक तुम्हें जॉब नहीं मिला है या तुम्हारे बाबा के फालिश मार गया है और बाल तोड़ हो रहा है जांगी पे, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो पापा का पेंशन नहीं आया का? अभी कहाँ, तुम कुछ पैसा भेज देते तो छोटी की शादी में मारुति कार मांगी है लड़का वाला। भेज देंगे अम्मा भेज देंगे। हाँ हाँ भेज देंगे। हाँ ठीक बा।
या मॉम, बाय बाय मॉम, लव यू, या ओके मॉम्स कॉल। अरे तो मेरी बात कराओ ना मॉम से। नो एक्चुअली मॉम सैलून गई है, बिजी है, वहां पर वो स्मूथनिंग करा रही है। और डैड? डैड से ही बात नहीं करा सकता, वो एक्चुअली क्या है, डैड बिजनेस मीटअप पे अब्रॉड गए हुए, आई थिंक इज फॉर मॉरिशियस। तो तुम यहाँ गर्मी में क्या कर रहे हो, चलो अंदर। अया बेबी, मैं कबर्ड में इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल क्यों नहीं रही? आपकी कबर्ड में चेक करती हूँ। अरे मिल गई फोटो। और ये क्या है? यू ये फोटो? तो मेरा कबर्ड चेक करने की क्या जरूरत थी? बेबी आई कैन एक्सप्लेन। अरे व्हाट कैन यू एक्सप्लेन, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैंने क्या पहन रखा है। क्या है ये? हमारी फर्स्ट डेट की फोटो। हाँ उस टाइम मैं भी यही सोच रहा था, बड़ा बहुत क्यूट लग रहे थे उस टाइम पर भी। बाकी आपको ये वाली फोटो अपनी फर्स्ट डेट की मेरे कबर्ड में मिली है? हाँ आपने संभाल के नहीं रखी थी क्या? मुझे याद नहीं है। चलो आप रख लो इस फोटो को, ठीक है। हाँ भैया, वो मैंने आपको एड्रेस तो दे दिया था, पर आप वहाँ पहुँच नहीं पाओगे, काफी दूर है ना। पहुँच नहीं पाऊंगा, अरे मैं गेट पे खड़ा हूँ। क्या सच में गेट के बाहर हो? भैया आप आ गए, आप तो सच में ही आ गए। भैया आ गए। किसको बता रही है भैया आ गए, तू अंदर चल। आप इतनी अचानक कैसे आ गए? भैया किसका? पहले तो तू ये बता, घर से इतनी दूर रह रही है, तेरे साथ रहता कौन कौन है? भैया बैठो तो मैं बताती हूँ ना। बैठा बैठ, अब बता यहाँ रहता कौन कौन है? भैया वो मैं और। चलिए एक सेकंड रुक, तू मेरे को ये बता के मेरे को वॉशरूम जाना है, वॉशरूम कहाँ है? मेरे को टॉयलेट आ रहा है बहुत देर से। भैया वॉशरूम क्यों जाना है आपने, आप अपनी बहन से इतने दिनों बाद मिले हो। वॉशरूम होके भी तो मिल सकता हूँ ना। भैया वो मैं यहाँ पे 2 साल से रह रही हूँ यहाँ पे, पहले फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड, अब थर्ड पे रेंट कम हो गया ना तो। एक सेकंड, ये तू क्या बोले जा रही है, मैंने पूछा है वॉशरूम कहाँ है। एक्सक्यूज मी, आई एम हियर। ये कौन है भैया? वो ना। अरे ये क्या बताएगी मेरे बारे में, मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ, आपने मेरे बारे में नहीं सुना। मैं चर्चा में रहती हूँ। मैं चर्चा में रहती हूँ ये नहीं। हाँ भैया वो मेरी फ्रेंड है। तूने कभी बताया नहीं तेरी फ्रेंड है इतनी क्यूट सी। वो भैया क्या बताती मैं इसके बारे में। हाँ आइए 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 ना। हाय क्यों रे, क्या क्या देख रहे हो? अंश जी आपको क्या बताऊं, जो आपकी जो बहन है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा क्यूट है। इसके ना मन करता है कभी कभी पप्पी ले लूं, बहुत ही क्यूट है अंश जी। ठीक है। अच्छा वैसे अंश जी आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, मतलब बहुत ज्यादा हैंडसम हो आप। हाँ लेकिन आपका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्यूट आप ही हो। अंशी आप बहुत ज्यादा मजाक करते हो, आई थिंक फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ। हाँ मैं पहुंचड़ी के जाऊं यहाँ से। वो मैं कह रहा था आपके पेट पे इतने बाल कैसे? अंशी वैसे बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो आपको बताती हूँ इसका राज क्या है। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे जो पापा है ना वो अनिल कपूर के फैन थे, तो मैं ऐसे ही बैठा हुई। बाकी मैंने इसको बोला था स्पा चल, जाती नहीं मेरे साथ पागल सी।
नहीं टाइम टू टाइम करा लेना चाहिए, सेक्सी लड़कियों में इतना अच्छा थोड़ी लगता है ये सब। हाँ तो भैया बहुत लेट हो गई है तो आप चलिए। ऐसे कैसे बोल रही भैया से, इतने तो अच्छे भी हैं। अरे चला जाऊंगा ना, चला जाऊंगा अभी, इतनी क्या बात की जल्दी हो रही है। इस फ्लैट में ना बॉयज अलाउड नहीं है, तो अगर लैंडलॉर्ड ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। बैड मैनर्स बेबी, जाओ आप। अरे इकट्ठे हो गए क्या? नहीं मेरा कहने का मतलब है कि हम तीनों इकट्ठे हो गए। दुखट्टे, दुखट्टे कब होंगे? सही है सब कुछ। अरे वो मैं बातों बातों में भूल गया, मेरे को वॉशरूम जाना था। आप बैठो, मैं मतलब अभी आया 5 मिनट, ठीक है? ठीक से लगी है ना? वो कौन कौन रहता है यहाँ पे? हम दोनों ही रहते हैं। तो ये मैं जेंडर का क्या कर रहे हैं? मैं पहनती हूँ भैया, मैं पहनती हूँ। क्या बोले? मैंने बोला मैं पहनती हूँ। नहीं नहीं उसके बाद भैया अंश, एक बहन बहुत है शायद मेरे को भाई कहने के लिए, कितने चीजें बनवाओगे? ऑल राइट आई कैन अंडरस्टैंड। या बाय द वे यू सो क्यूट, मैं मिलूंगी आपसे बाद में। वो अगर आपका नंबर, ऑल राइट लिखो, गिव सम टाइम, ओके? हाँ लिखो। हाँ बताइए ना। पांडवी यार, पांडवी बाकी आपकी कान में। क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ बोला आपने। आप पार्ट वगैरह डालोगे तो ऑटोमेटिकली मेरा नंबर आ जाएगा। ओके बाय बाय। चलो ठीक है मैं चलता हूँ, मेरा करता हूँ आपसे बात। बाय, मिस यू। ये भैंचोद कर क्या रहा हूं मैं यार? मैं ना परेशान हो चुका हूँ। एक तो वो बुड्ढा और दूसरा आपका भाई, जब वो आया ना मुझे लड़की बनना पड़ा यार। और आपने बताया क्यों नहीं हम लिव इन में रह रहे हैं अपनी फैमिली को? जब मैंने अपनी फैमिली को बताया ना मैं लिव इन में रह रहा हूँ, दे वर सो हैप्पी, दे वर सो प्राउड। ढोल बजाकर ना रेलवे स्टेशन तक छोड़ के गए थे, इसीलिए लिव इन में आए थे क्या हम? तो किस लिए लिव इन में आए थे? बेडरूम में चले? नो। सो यही? यू मीन वाइल्ड? यू सो क्रेजी। कनिका जी ये लो प्याज, वो मार्केट से निकल रहा था, सस्ती मिल रही थी तो मैंने सोचा ले चलू। हैं? नहीं भाई साहब, हैं? आ तो बैठ जाऊं? बैठ ही जाता हूँ। क्या कर रहे थे? ऐसे नहीं होता ये, मैं बता दूं कैसे होता है। करो एवर और करो, मैं बता दूं कैसे होता है। आजकल के यंगस्टर इतना भड़क गए हैं कि उनकी शादी को चार चार पांच पांच साल हो जाते हैं, वो कहते हमसे नहीं होता है। हमें देखो, है हमारी शादी के बाद 3 साल में 2-2 के जोड़े मारे मैंने, देख रहे हो ना अभिषेक भाई साहब, आप सामने देखो मेरा। हाँ देख रहा हूँ। देख रहे हो ना आप? हाँ। बाकी तुम्हारी आंटी ने रोक दिया, नहीं तो मैं 3 साल में आईपीएल की टीम खड़ी कर देता। देख रहे हो ना अभिषेक भाई? और बाकी मैं बैठा हूँ यहाँ, है मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ करो आप कैसे करते हो। और हाँ बाकी मैं करके भी दे सकता हूँ ये, अभिषेक भाई आपको ऐतराज ना हो तो मैं करके भी दे सकता हूँ ये। सोनू के पापा। आंटी बुला रही अंकल। नहीं आंटी नहीं, बात तेरी आपको लग रहा है था, कोई आवाज नहीं दे रहा। रे हराम के जड़े ऊपर के अपनी गैंड मरा रहे, नीचे आ जा। आ, आ, आंटी आवाज दे रही है। तो जाओ ना फिर और बैल बजा के आए करो। जाओ ना अंकल, क्या चूती हो क्या आप, मतलब जाओ। सॉरी मैं भूल गया था यार। अच्छा जी, अच्छा कनिका जी। और अंकल आगे से याद रखना और बैल बजा के आना, ठीक है? सांड की तरह घुसे आते जो। ये बुड्ढा कितना चेप है यार। चलो बेबी बेडरूम में करते हैं, साला बुड्ढा गर्मी लग रही है। करते करते चलते हैं। अच्छा कनिका जी वो मैं, सुनो मैं कह रहा था कि वो भैंचो चूतिये दल्ले भोसड़ी के, निकल यहाँ से, वो तेरी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, तेरी गांड में डंडा देती मैं, जा यहाँ से। अरे अभिषेक जी आप समझाओ इन्हें। अरे अभिषेक, कहाँ अभिषेक, तो यही है ना कनिका भी यही है, अभिषेक भी यही है, करो करो बात करो। अरे मैं तो बस निकल गया। बट बेबी गालियाँ? बेबी इतने टाइम से परेशान कर रहा था ये बुड्ढा, एक ना एक दिन तो सुनना ही था ना इसने, अब नहीं आएगा भैंचो। बेबी वैसे मैंने फर्स्ट टाइम गाली दी है। अच्छा कम ऑन।
सर ऑर्डर। अरे साला अभिषेक, ये हम तुमको देख लिए बे, ये हमारा दोस्त अभिषेक है। अभिषेक कौन? अभिषेक मैं अभिषेक हूँ। हम भी तो वही बोले, तुम अभिषेक हो। अभिषेक हूँ मैं, अभिषेक कोई नहीं है यहाँ। हाँ तो हम भी अभिषेक ही बोल रहे हैं। खोलो बे। अबे साले तुम इतने बड़े घर में रहते हो। नहीं भाई नहीं, मैं काम करता हूँ भाई, मैं काम करता हूँ। तू तू तेरा ऑर्डर देना है, तू जा भाई, तुझे ऑर्डर दे दे भाई। हाँ और ये हीरो वाले कपड़े, ये ड्रेस अप होता है भाई, यहाँ काम कर रहे हो तू, जा भाई, बहुत सारा काम कर भाई। हाँ भाई तो भाई मिलके साथ कर देंगे भाई, काहे नहीं कर सकते भाई, भाई का काम तो कर सकते भाई। नहीं नहीं भाई, मेरी नौकरी चली जाएगी भाई। नौकरी चली जाएगी भाई? नौकरी नहीं जानी चाहिए भाई। लो भाई मैं बैठता हूँ भाई। भाई बैठ मत ना, वो गंदा हो जाएगा। मेरे बैठने से गंदा हो जाएगा भाई? मेरा मतलब है तू गंदा हो जाएगा, वो गंदा। अच्छा इसको साफ कर देंगे भाई, दोनों मिल। ये क्या कर रहे हो बेबी जी? आप अंदर जाइए बेबी जी, कर तो रहा मैं, डांट करो बेबी जी, आप अंदर जाइए बेबी जी। ये आप बेबी के साथ जी क्यों लगा रहे हो? आजकल तो बिस्कुट के पीछे भी जी लगता है ना, आप तो फिर भी लड़की हो बेबी जी, डांट रहे हो आप अंदर जाइए, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। साला अब समझा हम, तुम इस दिल्ली वाली लड़की से ब्याह रचा लिए हो और साला इसके पैसों पे सैया बनके छैया छैया कर रहे हो, और हम साला चूतिया बुढ़बा साला खई चूतिया तुम्हारे गांव में बूढ़ी मैया और बूढ़े बाबा को संभाल रहे हैं। मुझे पहले से ही पता था। अच्छा सुन, हाँ सुन तो सही, और कहाँ हो रहा चले गाओ, आ जा नीचे चले बनाए, आ जा। सर हम तुमको बोले थे झूठ नहीं बोलना चाहिए, गरीब है तो क्या साला, हमें देखो हम सच बोले, हमारा शादी हो गया, दो दो ठेया बच्चा है, तुम्हारी जोरू की तरह ही बैग लिया और चल दिया, हम हमारे जोरू हम आँख दिखाए तो आँख नीचे, साला बोल दिया तो साला चुप। और तुम साला शादी कब की है? अरे ये शादी नहीं है, लिव इन है ब्रो। लिव इन ये का कोर्स होता है का? ए साला गबार, आओ बताते हैं। यस, अरे देख ली तो कैसी लगी? मैं मेरा मतलब वीडियो कैसी लगी गाइस, होप करता हूँ आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा। आपको क्या करना, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना यार, आप लोग कमेंट नहीं करते, समझ गए? चलो लव यू, बाय बाय, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।